मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में वादा किया था कि बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के बैंक के खाते में 15 सितंबर तक सहायता राशि सीधे जमा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक किसानों को सहायता के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला। जिले के लाखों किसान मदद का इंतजार कर रहे हैं, इसी को लेकर अब किसान सवाल पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब क्या हुआ तेरा वादा। वर्धा जिले में जुलाई और इस महीने में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते जिले में भारी परिस्थिति बन गई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले के 2,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचा। इनमें 2,32,646 किसान प्रभावित हुए। नियम के मुताबिक सरकार ने 345.99 करोड़ राहत कोष का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। 8 सितंबर को राज्य सरकार ने सरकार के इस फैसले पर संज्ञान लेते हुए सहायता प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वादा किया था कि सहायता की राशि 15 सितंबर तक किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। या वर्षी शेतकऱ्यांचं पावसामुळे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। 3 वेळा मोठ्या प्रमाणात वृष्टी होऊन जाऊन पिकं वाहून गेलेली आहे, खड्डून गेलेली आहे। मुख्यमंत्री मोदयांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देऊ असं आश्वासन दिलं होतं, अजूनपर्यंत कुठलीही मदत शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली नाही आहे। कशी आहे त्याला समजलं पाहिजे बा, दिसल्या पाहिजे बा। 2 महिना झाले पाऊसच आहे, नदीला पूर आहे दुनियाभराचा। आम्ही कसं करावं गरीब माणसांना? शासने पैसे देईन तर आम्ही इकडे कास्तकारीले लावा। जुलाई और अगस्त के महीने में जिले के कुल 2,32,646 किसान बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हुए थे। इनमें वर्धा तालुका से 33,011, सेलू तालिका से 27,386, देवली से 30,349 किसान शामिल हैं। इन बीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।